जरा सोचिए, एक सुबह उठते ही आपको पता चलता है कि आपका पूरा गांव पानी में डूब चुका है। आपका घर, आपकी चीजें, सब कुछ धीरे धीरे बाढ़ के पानी में समा रहा है। ये कोई फिल्म का सीन नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित सिरोहा के हरदी कुकर्रा गांव के निवासियों की डरावनी हकीकत है। कुछ दिन तक पहले ये शांत गांव अचानक आई भारी बारिश से एक छोटे से द्वीप में बदल गया। 200 से अधिक ग्रामीण अपने घरों में फंसे रहे, जहां 2 से 3 फीट तक का पानी भर चुका था। हालात इतने विकट हो गए, लोगों को अपनी जान बचाने के लिए छतों और पेड़ों पर शरण लेनी पड़ी। 12 घंटे तक ये ग्रामीण अपने अस्थायी आश्रयों में बैठे भगवान से प्रार्थना करते रहे। इस दौरान कुछ ग्रामीण अपने जानवरों को खुला छोड़कर भाग गए, उम्मीद करते हुए कि शायद वह सुरक्षित जगहों पर पहुंच जाएं। चारों ओर अफरा तफरी, डर और अनिश्चितता का माहौल था। जैसे ही जिला प्रशासन को इस संकट की खबर मिली, उन्होंने तुरंत कार्रवाई की। बुधवार की दोपहर से राहत और बचाव कार्य शुरू हो गया। शाम शाम होते ही एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई, जिससे बचाव कार्य में और तेजी आई। रात के 11 बजे तक बचाव दल नाव के माध्यम से 200 ग्रामीणों को सुरक्षित बाहर निकाल चुके थे। इस कठिन घड़ी में वरिष्ठ अधिकारियों, अपर कलेक्टर और स्थानीय विधायक की मौजूदगी ने ग्रामीण को हिम्मत और आश्वासन दिया। ये बाढ़ कटनी जिले की बेलकुंड नदी में पानी के बढ़ जाने से आई थी, जिसने हरदी कुकर्रा गांव में तबाही मचा दी थी। बाढ़ के कारण दर्जनों कच्चे घर ढह गए और लोगों का अनाज और घर का सामान बह गया। जिला प्रशासन ने तुरंत राहत शिविर की स्थापना की, जहां प्रभावित परिवारों को खाना, पानी और आश्रय मुहैया कराया गया। लगभग 70 जानवरों को भी सुरक्षित निकालकर दूसरी जगह भेजा गया। यह शिविर उन लोगों के लिए अस्थायी आश्रय बन गया, जिन्होंने लगभग सब कुछ खो दिया था। होमगार्ड के जवान कौन कौन है? दिनेश, दिनेश जी राम, दिनेश जी आए, और यार सुनील पाल, गुंडा लाल, जोरदार तालियां गांव वाले इस होमगार्ड के जवान। हरदी कुकर्रा में आई इस बाढ़ ने प्रकृति की अप्रत्याशितता और ताकत को एक बार फिर से उजागर कर दिया। साथ ही इसने विपरीत परिस्थितियों में मानव साहस और धैर्य को भी दिखाया। तत्काल संकट तो टल गया, लेकिन इन ग्रामीणों के लिए पुनर्निर्माण की राह लंबी और कठिन होगी। जिला प्रशासन और एनडीआरएफ के प्रयासों ने कई जानें बचाई, लेकिन भावनात्मक और भौतिक पुनर्निर्माण में समय लगेगा। लोकल 18 के लिए जबलपुर से आकाश निषाद की रिपोर्ट।